स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं बेसिकली, लाइक डिसोसिएटिव एमनीसिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इन सब की जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है और इनका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है और साइन एंड सिम्टम्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डेफिनेशन देखते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की। सो dissociative disorder are characterized by an involuntary escape from reality, characterized by a disconnection between thoughts, identity, consciousness and memory। ये जो dissociative disorder है इसके अंदर अनैच्छिक रूप से जो person है, जो patient है, वो reality से बिल्कुल दूर हो जाता है, disconnect हो जाता है और जो उसकी थॉट्स हैं, आइडेंटिटी है और कॉन्शियसनेस है और मेमोरी है वो सम इम्पेयर्ड हो जाती है। पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स एंड रेशियल, एथनिक एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स कैन एक्सपीरियंस ए डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। देन एग्जांपल ऑफ डिसोसिएटिव सिम्टम्स इंक्लूड द एक्सपीरियंस ऑफ डिटैचमेंट और फीलिंग्स एज इफ वन इज आउटसाइड वंस बॉडी एंड लॉस ऑफ मेमोरी और एमनीसिया। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आर फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद प्रीवियस एक्सपीरियंस और ट्रॉमा। ये जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है ये फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड होता है विद दी प्रीवियस जो भी ट्रॉमा है, प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंस है, पास्ट के अंदर जो भी हुआ है उससे रिलेटेड होता है। देन इसके कॉजेज जो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर यूजुअली डेवलप एज ए मैकेनिज्म ऑफ कोपिंग विद ट्रॉमा। द डिसऑर्डर मस्ट ऑफन फ्रॉम इन चिल्ड्रन सब्जेक्ट टू क्रॉनिक फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल अब्यूज और लेस फ्रिक्वेंटली ए होम एनवायरनमेंट दैट इज अदरवाइज फ्राइटनिंग और हाईली अनडायरेक्टेबल। पर्सनल आइडेंटिटी is still forming during childhood and during these malleable years a child is more able than is an adult to step outside herself or himself and observe trauma as through its help happening to a different person। a child who learn dissociative in order to endure extended period of his or her youth may reflexively use of coping mechanism in response to stressful situation throughout life। rarely adults may develop dissociative disorder in response to severe trauma। types are dissociative disorders, there are three types of dissociative disorders: dissociative identity disorder, dissociative amnesia, depersonalization, derealization disorder। so iske jo डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का कंटिन्यूअन है, इसके अंदर जो इंक्रीज इन डिस्टर्बसन टू पर्सनैलिटी, जो डिस्टर्बसन होता है पर्सनैलिटी का वो किस तरह से होता है, डिस्ट्रैक्शन, डीपर्सनलाइजेशन, साइकोजेनिक एमनीसिया, साइकोजेनिक फैग्यू, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। देन डिसोसिएटिव एमनीसिया के बारे में देखते हैं। डिसोसिएटिव एमनीसिया इनएबिलिटी टू रिमेंबर सिग्निफिकेंट इवेंट एवरीथिंग ऑफ ट्रॉमेटिक नेचर। द ऑनसेट ऑफ एन एमनीसियक एपिसोड इज यूजुअली सडन एंड एन एपिसोड कैन लास्ट मिनट्स, आवर्स, डेज और रेयरली मंथ्स और ईयर। डिसोसिएटिव एमनीसिया के अंदर क्या होता है, जो भी पुराने जो भी इवेंट होते हैं उनको, पर्सन है जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं उनको याद करना भूल जाता है, लाइक सडनली, और कितने टाइम के लिए भूल जाता है, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए और मंथ और ईयर्स के लिए भी वो भूल सकता है। देन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर फॉर्मली नॉन एज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय अल्टरिंग बिटवीन मल्टीपल आइडेंटिटीज। ए पर्सन में फील लाइक वन और मोर वॉइस और ट्राइंग टू टेक कंट्रोल इन देयर हेड। ऑफन दीज आइडेंटिटीज may have unique names, characteristics, mannerism and voices। depersonalization disorders, this disorder involves ongoing feelings to detachment from action, feeling, thoughts and sensation।
as if they are watching a movie. Depersonalization, sometimes the people and things may feel like people and things in the world around them are unreal. Derealization, a person may experience depersonalization, derealization, or both. The symptoms and sign of dissociative disorders are memory loss, means amnesia of certain times, periods, events, people, and personal information, a sense of detachment from your emotion or emotional numbers, a perception of people and things around you as distorted and unreal, a blurred sense of self-identity, then significant stress or problem in your relationship, work, or other important areas of your life, inability to cope well with emotional or professional stress, mental health problems such as depression, anxiety, and suicidal thoughts and behavior, out-of-body experience such as feelings as though you are watching a movie of yourself. Then treatment modalities are psychological intervention, anxiolytics, benzodiazepines, and maintenance dose, antidepressant, neuroleptics, then psychosocial intervention, intensive psychotherapies, hypnosis, client grounding techniques, safe place, eyes in hands, wrapping self in blanket, counting backward or forward, client education, relapse prevention, journaling. So treatment are psychotherapy such as cognitive behavior therapy and dialectical behavioral therapy, eye movement desensitization and reprocessing. Medication such as antidepressant can treat symptoms of related conditions. Treatment for dissociative disorder may include talk therapy, psychotherapy, and medication. Although treating dissociative disorders can be difficult, many people learn new way of coping and lead healthy, productive lives. Complications of the dissociative disorders are suicidal thoughts and behavior, sexual dysfunction, alcoholism and drug use disorder, depression and anxiety disorder, post-traumatic stress disorder. Then personality disorder and eating disorder and sleep disorder include nightmares, insomnia, sleep waking, physical symptoms such as lightheadedness or non-epileptic seizures, major difficulties in personal relationship and at work. The role of the nurse. The generalist nurse identify the undiagnosed dissociative disorder, help to client to develop adaptive skill and achieve symptom management including appropriate medication, continue assessment of the client, level of danger to self and others throughout the treatment. The advanced practice psychiatric registered nurse encourage the client in the psychotherapy or cause management process, continue assessment of client safety. Thank you everyone. Our topic is dissociative disorder is completed. इसके अंदर अपन ने पूरा डिटेल के अंदर सब कुछ चीज़ें जो डिसोसिएटिव एमनीसिया था, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव फेग्यू है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा और इनके कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स सब डिस्कस किए. सो थैंक यू एवरी वन.